Hello guys, welcome to Girls Republic Live on ARY Musik. This is Bex here. Hope you guys are doing well. And today's Wednesday, as you guys know, Wednesdays ko hamare tarot card reader hoti hain jinse hum baat karte hain taroscope ke bare mein aur future ke bare mein baat karte hain. As you guys can call us. If your call is not going through, leave your message on my page, my Facebook page, which is Bex Khan, BECKS space KHAN. वहाँ पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. कुछ भी आपको पूछना है फ्यूचर के बारे में या एनीथिंग, आपको जो है बता देंगी टैरोट कार्ड रीडर जो हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं. मैं भी ठीक हूँ. क्या चल रहा है आज की लाइफ में? बस वही रूटीन लाइफ. वही लाइफ में एक ही हमारी सबकी अपनी अपनी रूटीन्स होती हैं, हमें बस उसी में अपने आप को हम बिजी रखते हैं. तो हम जो है आज अपना टैरोस्कोप स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको कुछ भी पूछना है आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा. अगर कॉल नहीं मिल रही, लीव योर मैसेज ऑन माई फेसबुक पेज, जहाँ से मैं अभी पढ़ के यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. कुछ भी हो लेकिन रिलेटेड टू हमारा जो शो है उसके रिलेटेड होगा तो मैं रीड आउट करूँगी. क्योंकि कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि आप रीड आउट नहीं करती, और उनके मैसेजेस होते हैं कि सिर्फ कमेंट्स दे रहे होते हैं, विच इज़ आई थिंक रियली गुड एंड नाइस एंड स्टफ एंड आई रियली अप्रिशिएटेड, जिनको मैं रिप्लाई कर देती हूँ फेसबुक के ऊपर. लेकिन जो है अगर आपको कुछ भी पूछना है एनीथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर, यू गाइस कैन आस्क अस. तो हम लोग जो है अपना टैरोस्कोप स्टार्ट करते हैं. ओके, शो करते हैं. सबसे पहला है हमारा एरीज. Jump to the left, stick it, glide. एरीज के लिए जो कार्ड आया है वो द लवर्स का कार्ड है. द लवर्स का कार्ड कहता है कि एरीज वालों के पास इस वक्त उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है डिफरेंट चीज़ों में, जिसमें उनको तय करना है कि कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज़ को नहीं देनी है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ चीज़ें मौजूद है. तो उनको सोच समझ के लिए अपने लिए चूज़ करना है, जो भी चूज़ करना चाह रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, चाहे वो करियर है, ट्रैवल है, फाइनेंस है, वट एवर कुछ भी है. तो सोच समझ कर अपनी प्लानिंग करेंगे तो वो अच्छा रहेगा. हाँ, अगर सोचे बगैर कोई काम कर रहे हो तो सही नहीं होता वैसे. बढ़िया से बारे कुछ लोगों के रिस्क हो जाते हैं ऐसे कि वो अच्छे होते हैं उनके लिए, मगर हर एक के लिए रिस्क लेना अच्छा नहीं होता. कुछ लोग होते हैं कि वो मतलब दिमाग की नहीं सुनते, दिल की सुनते हैं और काम उल्टा हो जाता है. उल्टा हो जाता है. हालांकि ये भी कहते हैं कि जो दिल की पहली आवाज़ होती है वो सच्ची होती है. अच्छा, तो दिल की सुननी चाहिए. असल में वो जो पहली आवाज आती है ना, उसको कभी कोई फोकस करता ही नहीं है. उसके बाद जो आवाजें आ रही होती है उसको फोकस कर लेते हैं, उस पर फोकस हो जाता है. जो फर्स्ट क्लिक आपके माइंड में या कुछ भी हार्ट रिलेटेड हो तो उसको आई थिंक वो जरूर सोचना चाहिए, देखना चाहिए, वो बिल्कुल सही होता है. फिर ये नहीं कि बाद में ओवरथिंक करते हैं, नहीं, अपने जो ये प्लान से कर रहे थे वो भी फक हो. हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. सलाम, कौन बात कर रहा है? मुकद्दस, कहाँ से कॉल की है? जी, मैं सिंधी से कॉल की है. अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम कॉल की है, राइट? जी. सही, आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी पूछिए. जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी शादी का 7 साल हो गया और मेरे औलाद नहीं है. आप क्या औलाद होगी या नहीं होगी, कब होगी, और मेरा आने वाला अगला साल कैसा रहेगा? आने वाला अगला साल मुकद्दस, आप बच्चों के बारे में. मुकद्दस, आपकी अम्मी का नाम क्या है? शाहीन. शाहीन, और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? इकराम. इकराम, ठीक है, बताती हूँ. सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. इनके लिए जो मैंने ये दोनों सवालों के लिए कार्ड निकाले हैं, इनके पास जो पोजीशन है बच्चों के मामलात में वो रुकावट है किसी किस्म की. आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, मगर जब नकाब पहना हुआ ये इसकी पोजीशन है, इसका मतलब है कुछ नेचुरल नहीं है. यानी एक होता है ना कि कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से रुकावट है तो अलग बात होती है, रुकावटें या तो डाली जाती हैं तो ऐसी होती हैं, या फिर नज़र वगैरह का शिकार होते हैं लोग, इस तरह की नेगेटिविटी है, एवल लाइफ भी कह सकते हैं इसको आप. तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से इनके पास प्रेगनेंसी नहीं होती, या अगर होती भी होगी तो हो सकता है ये कई बार इनका मिसकैरेज भी हो चुका हो. तो इसलिए इनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, चाहे वो फिजिकली ट्रीटमेंट है चाहे वो रूहानी ट्रीटमेंट है, मगर ये ट्रीटमेंट करेंगे तो इनके पास हो सकता है. क्योंकि सपोर्टिंग कार्ड भी कहता है कि हाँ, इनके यहाँ बेबी हो सकता है, लेकिन इसके लिए इनको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी. बिल्कुल. और जो सेकेंड इनका सवाल था कि इनका आने वाला साल कैसा रहेगा, तो जरा टफ रहेगा.
क्योंकि चैरियट का कार्ड है, चैरियट का कार्ड कहता है कि आपके पास जो पोजीशन है वो अच्छी और बुरी दोनों चीजों को लेकर आपको लाजमी साथ चलना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा अच्छा मिलेगा, और बहुत सारे मामलों में ऐसा लगेगा कि बस मंजिल नहीं आ रही और थक के चूर हो रहे, परेशान हो रहे, डिस्टर्ब हो गए, जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा. होप छोड़ देना, होप छोड़ गया, इनकी पोजिशन होगी कि होप छोड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनको होप छोड़नी नहीं है क्योंकि खूब स्ट्रगल के बाद जो है वो विक्ट्री मिलती है. ये विक्ट्री का कार्ड है कि आपको विक्ट्री मिलेगी जरूर. तो जो भी काम कर रहे हैं या जिस चीज पे फोकस किया हुआ है उसको कंटिन्यूसली जारी रखें, उससे होप ना छोड़ें अपनी, तो आपको विक्ट्री मिल जाएगी. तो हार्ड वर्किंग का ज्यादा टाइम मतलब ईयर हो सकता है वो, लेकिन ये है कि जो भी करेंगे उसका रिजल्ट इनको पॉजिटिव इंशाल्लाह मिलेगा. इट्स गोना बी वर्थ इट, जो भी काम आप लोग करेंगे. हैव वी गॉट अनदर कॉल? ऑलराइट, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? इकरा. आज पता नहीं मैंने क्यों नहीं पहचाना, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ. चलो कॉल तो मिल गई आज, कल बोल रही थी ना कुछ पूछना था तुमने. हाँ जी जी बिल्कुल, मैं बड़ी खुश हूँ, सबसे ज्यादा क्यूट लग रही हूँ. अच्छा, थैंक यू. चलो कुछ पूछ लो फ्यूचर के बारे में. नहीं थैंक यू जी, मैंने इनसे पूछना था कि मेरा फ्यूचर में ये है कि मैं मैरिड हूँ ना, तो मेरा फाइनेंशियली आगे कैसा रहेगा, और अगर हम बाहर के लिए अप्लाई करें आउट ऑफ कंट्री जाने का तो कब तक होगा, यही पूछना था. और मेरी हेल्थ के मैं हेल्थ ठीक ना होगी आगे ना, मैं बीमार हो रहा हूँ. अच्छा, पहला आपका क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब ठीक होंगी, राइट? नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये कि मेरा फाइनेंस कैसा है, मतलब इन फ्यूचर कैसा रहेगा. अच्छा, तो एक बार ये पूछ रही हूँ कि फाइनेंशियल किस तरह आपका फ्यूचर में रहेगा, और सेकेंडली ये है कि आपको बाहर मूव होना है तो वो बेटर होगा आपके लिए या नहीं होगा. और थर्ड होगा. अच्छा, और थर्ड आपका क्वेश्चन है हेल्थ के रिलेटेड. सही, तो हम तीनों क्वेश्चन आपको बता देते हैं. थैंक यू फॉर कॉलिंग इकरा. सही है, जिस तरह अभी वो अंजुम कर रही हैं, अभी पूरा एनालाइज कर रही हैं, हम जो है ये आंसर इकरा आपको बाद में बताएंगे. बिकॉज वी गोइंग फॉर ब्रेक गाइस, डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गर्ल्स फॉर ब्रेक. Hello guys, welcome back from the way you guys are watching Girls Republic on ARY Music. This is Bex here, hope you guys are doing well. और आज हमारे साथ tarot card reader हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे tarot school के बारे में, और करते जाएंगे. और हमें calls भी आ रही हैं, आप भी call कर सकते हैं अगर आपने कुछ पूछना है हमसे. और आपकी call will leave your message on our page which is Bex Khan. So I think we already have got one call. Hello. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? मैं टीना बात कर रही हूँ लंदन से. टीना, हाउ आर यू? ऑलराइट, थैंक यू. सो डू यू वॉच आवर शो रेगुलरली? या, क्वाइट ऑफ्टन. ओह, दैट्स ग्रेट, व्हाट डू यू डू? आई एम एक्चुअली एन आईटी कंसल्टेंट. ऑलराइट, दैट्स परफेक्ट. सो डू यू वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू योर फ्यूचर? Yeah, I wanted to ask about financial situation for my husband, particularly. Uh-huh. What's your husband what name? What the next year holds for us. Right. My family, yeah. So, what's your husband's name? My husband's name, Imran. Imran. What's financial position? Right, so you just want to ask about your financial stuff and your next year, how it's going to be like. Am I right? Yeah, how it's going to be, what the future holds, actually. All right, okay, we'll let you know. Thank you so much for calling. Thanks. All right, so unka jo financial stuff and next year kaisa hoga? अच्छा, पहले हम टीना का जवाब देते हैं, फिर इकरा के जवाब भी दे देंगे. वो वेट कर रही होंगी. टीना के लिए जो पोजीशन है कार्ड्स की, वो इंशाल्लाह 3 महीने के बाद इनका फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है. हालांकि ऐसा इम्प्रूव नहीं है कि जिसको कहूँ कि एक्स्ट्रा कुछ हो रहा हो, मगर जिस पोजीशन में इस वक्त हैं ये लोग उससे निकल जाएंगे आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि अभी तक इन्होंने काफी हार्ड टाइम देख लिया है. बहुत अनबैलेंस पोजीशन रही है इनकी फाइनेंस में, और इस वक्त भी इनके पास हाल ये है कि जैसे 100 रुपीज इनकम हो और आपकी जो आप जो एक्सपेंस कर रहे हो वो आपके 1000 टाइम्स ज्यादा हो उससे, यानी ओवरबर्डन हो रहे हैं बहुत ज्यादा. तो अभी भी थोड़ी सी 3 महीने और इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको, अल्लाह करे कि जल्दी इससे निकल आए. बट ये है कि आफ्टर 3 मंथ्स इनके पास जो ये कार्ड है, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कि इनके पास कम से कम इतना हो जाएगा कि इनके सारे मामलात इमोशनली
या कह लें कि स्मूथली क्लियर होना शुरू हो जाएंगे और ओवरबर्डन नहीं होंगे कम से कम. तो आफ्टर थ्री मंथ्स इनके ऊपर पोजीशन बेहतर होती हुई नजर आ रही है. ऑलराइट, चलें अब इकरा के उसको चलते हैं. उन्होंने इकरा ने माशाल्लाह से तीन साल पूछा था. शॉर्ट शॉर्ट बताऊं सिर्फ एक, पहले बाहर नहीं जाना चाहिए. हाँ, बाहर का जो था. बाहर जाना भी नहीं चाहिए इनके लिए, बाहर जाना सुटेबल नहीं है. अगर चले भी गए तो हो सकता है अगले एक साल में कोई पॉसिबिलिटी इनके पास बन जाए जाने की, मगर वो इनको सूट नहीं करेगा जाना. तो इसलिए इनको कोई एफर्ट नहीं करनी चाहिए ऐसी. सेकेंड इनका था फाइनेंस. फाइनेंस में इन फ्यूचर इनके पास कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट आ रही है, चाहे वो कोई इनको एक होता है बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आ रहा है या कोई इनको इन्वेस्ट करके दे रहा है या कुछ भी है, बहरहाल कहीं से कोई सपोर्ट आ रही है जो इनको हेल्प आउट करेगी और इनको मजीद फाइनेंस में इम्प्रूव करेगी. और जो थर्ड क्वेश्चन का हेल्थ का था, तो हेल्थ के मामले में इनके पास ऐसे कोई इशू नहीं है. हाँ, अगर कोई खामखा का स्ट्रेस वगैरह रखा हुआ है तो उसको निकाल दें तो क्लियर हो जाएंगी, वरना हेल्थ में ऐसी कोई बात नहीं है. हाँ, तो ऐसा जो अगर एक बार स्ट्रेस लोगी तो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा. सो वी हैव गॉट अनदर कॉल. हेलो, वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहा है? जी सईदा बात कर रही हूँ. सईदा, कैसी हैं आप? जी आप ठीक है? जी मैं भी ठीक हूँ. आप क्या करती हैं? जी मैं पूछ रही थी, मुझे बैंक में जॉब मिली है प्राइवेट, तो मुझे जो मेरे लिए सही हो गया. नहीं जी, बैंक में जॉब मिली है मुझे. कहाँ जॉब मिली है? बैंक में. मैं साथ से बोल रही हूँ. हाँ हाँ सही, आपको बैंक में जॉब मिली है. सही जी जी. Alright, that's great. तो कुछ पूछना चाहेंगी? ये पूछ रही थी कि मैं अनमैरिड हूँ ना, तो अबू ने बहुत रिश्ते रुकवाए, नहीं कहते अभी अच्छा सा रिश्ता आ जाए. अच्छा, शादी के लिए पूछना चाह रही हैं सईदा आपने? शादी के लिए आप क्या पूछना चाह रही हैं? कब तक हो जाएगी? कि कब होगी? कि कब होगी? सही. थैंक यू फॉर कॉलिंग, हमें बता देते हैं आपको. सही. सईदा के लिए असल में कहीं ना कहीं इनका रिलेशनशिप इशू है. मैं इसको अगर बहुत सिंपल उसमें कहूँ तो शायद इनके पास इनकी एनर्जी डिस्टर्ब हुई हुई है रिलेशनशिप की. जो मैंने अपने स्टार्टिंग के प्रोग्राम्स में भी बताई थी, एक रेमेडी दाल वाली, दाल और कपड़े वाली, अगर वो नहीं पता तो मैं दोबारा बता देती हूँ शॉर्टली कि एक रेमेडी बता रही हूँ आपको सईदा, वो कीजिए तो इंशाल्लाह ताला आप जल्दी उसके रिजल्ट्स देखेंगे और कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह आपकी शादी हो जाएगी या आपकी मंगनी वगैरह हो जाएगी. आपको सवा पाव लाल मसूर की दाल लेकर उसे लाल कपड़े में डाल के और एक पोटली सी बन जाएगी, और इस ऐसी 7 पोटलियां बनाएंगी आप. 7 पोटलियां बना के उसको एक साइड पर रख लें, उसके बाद सैटरडे को असर मगरब के दरमियान उसमें से एक पोटली उठाकर आप अपने सर से उल्टी घुमाएंगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगी 21 दफा, 21 टाइम्स उसको वार के उसके बाद उसको दरिया या समंदर में फेंकना होता है. आपको ये 7 पोटलियां बनवाने को इसलिए मैंने कहा है कि आप 7 पहले बना के रख लोगी, हर हफ्ते एक उठाई वारी और उसके बाद उसको फेंकवा दिया. फेंकने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसी वक्त जाके फेंकेंगी, आप किसी भी वक्त आपको आसानी हो आप फेंक सकते हैं, मगर 7 हफ्ते कंटिन्यू ये काम करेंगी. एक हफ्ता भी स्किप हुआ तो आप इसको दोबारा स्टार्ट करेंगी. तो आप ये वाली रेमेडी करो, इंशाल्लाह ताला आपका शादी का मसला हल हो जाएगा. सही, तो ये आई थिंक ये वर्क करती होगी. बिल्कुल करती है, और अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोगों को अब तक मैंने बताई है वहां से मुझे फीडबैक मिलता है कि जी इसने वर्क किया और उनकी कहीं ना कहीं शादियां या मंगनियां हो गई हैं. सही. वी हैव गॉट अनदर कॉल. हेलो, वालेकुम सलाम. आई एम गेसिंग ये वो है शांजा. जी कैसी हो? जी ठीक. मैंने आज 4 क्वेश्चन करने थे. 4 क्वेश्चन? हाँ, आई थिंक शांजा भी मुझसे पूछ रही थी कब आएंगी, मैं उनसे पूछूं कुछ. जी, और मैं नेक्स्ट वीक आपसे कॉल थोड़ी किया करूंगी, यानी कि महीने में एक दफा, क्योंकि आप अकेडमी ज्वाइन करूंगी. अच्छा, कौन सी अकेडमी है? यानी कि हमारी एक्सेसी की. अच्छा अच्छा, सही. तो बिजी हो जाओगी फिर. जी चलो, आई एम गोना मिस यू. चलो फिर पूछ लो, क्या पूछना है? जी मेरे भाई की शादी नहीं हो रही, वो यानी कि रिश्ता होता है लेकिन पसंद नहीं आता हमें. अच्छा, भाई का नाम क्या है शामजे? सलीम. सलीम जी, और मेरी शादी कब होगी और कैसे, यानी कि किस साल होगी? इस साल या अगले साल होगी? अच्छा, इस साल क्यों बोल के चुप क्यों होगी?
ये इसलिए चुप हो गई हैं कि इनके लिए या तो प्रपोजल बिल्कुल तैयार खड़ा है, इनके पास रिश्ते मौजूद हैं, एक या एक से ज्यादा मौजूद हैं और ये लोग कंफ्यूज हैं कि हम जी यही बात है। वाओ सही, दैट्स ग्रेट। और मैंने अपनी बहन को भी पूछना था कि उसकी कब शादी होगी, शाजिया की शादी जी तीन है के सलीम की शादी मेरी और तो अभी आपने इनकी बताई है शांजा की बताई है, लेकिन बहन के मामले में भी ऑलमोस्ट यही हाल है इनका कि देख रहे हैं समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो बस जो भी है प्रैक्टिकल होके फैसला करके कहीं डिसीजन ले लीजिए जहाँ भी शादी करनी है, अच्छी तरह छानबीन करके दोनों बहनों के लिए। और भाई के लिए मुझे बताइए, भाई की कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई रिश्ता होके पहले खत्म हुआ हो या कोई मंगनी होके खत्म हुई हो या कोई वो उसका निकाह हुआ था तो वो खत्म हुआ था, तो ठीक है आप एक तो ये करें कि एक रेमेडी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई है दाल वाली, उसको रिपीट करें भाई के लिए, और उस रिलेशनशिप से रिलेटेड उनके पास अगर कुछ भी है या आप लोगों के पास है तो वो सारी चीजें खत्म कर दें अपने पास से जी। तो दाल वाली दोबारा रिपीट करते हैं क्या वो कह रही है कि फिर से उनको बता दें? अच्छा ठीक है आप अभी बताऊं या ऑन एयर बताऊं? आई थिंक ये ब्रेक के बाद बता देंगे। गाइस डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग गर्ल्स पब्लिक। Hello guys, welcome back from the break. You guys are watching Girls Republic on ARY Music. This is Bex here, and today we've got Tarot Card Reader with us, and I think we already have got a call, have we? Sahi, hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikum Assalam, kaun baat kar rahe? Amna baat kar rahi hai Dubai se. Amna, kaisi hai aap? Alhamdulillah, theek thaak. Achha, Amna kuch puchna hai aapko? Haan ji, bas facial ke baare mein puchna hai inse aur फ्यूचर के बारे में। yes, क्योंकि मेरे ट्रिपलेट्स बेबी हैं। ट्रिपलेट्स, वाओ माशाल्लाह। सही, तो आपको क्या फ्यूचर के बारे में पूछने? मैं ऑलरेडी दुबई में रह रही हूँ, ठीक है, तो मुझे मतलब उनके फ्यूचर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्लीज मिले कि मैं यहाँ पे दुबई में सेटल हो सकती हूँ या मैं पाकिस्तान में आऊंगी। अच्छा, बच्चों के साथ आप दुबई में ही रहेंगी या पाकिस्तान आ जाएंगी, ये पूछना चाह रही हैं? क्योंकि मेरे हस्बैंड अमेरिका का भी करना चाह रहे हैं, तो प्लीज मुझे थोड़ा गाइड कर देंगे, मेरा वो बता दे फ्यूचर क्या है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या दिल करता है? मेरा तो दिल करता है कि हस्बैंड के साथ रहूं, क्योंकि यहाँ पे स्टडी मेरे ख्याल में बेटर है, क्योंकि मुझे 8 साल हो गए हैं यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़े। अच्छा सही, चले हम आपको बता देते हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग। नो डाउट इनके लिए दुबई बहुत अच्छा है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि इनकी पोजीशन वहाँ काफी स्टेबल है और आगे भी रहेगी, अगर दुबई बैठी हैं, लेकिन ये आती हुई मुझे पाकिस्तान नजर आ रही हैं, अमेरिका नहीं जा सकेंगी। अमेरिका जितना भी इनकी हस्बैंड कोशिश कर ले, मुझे इनकार नजर आ रहा है कि इनके हस्बैंड अमेरिका नहीं जा सकेंगे, तो ये आएंगी पाकिस्तान। अच्छा, तो इनके लिए पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान आएंगे। मैं सैयदा बात कर रही हूँ। सही जगह, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची। कैसी हो? आई एम फाइन। सही, कुछ पूछना चाहोगी? या मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया है, पूछना चाहती हूँ कि हो सकेगा नहीं होगा। कनाडा आपने मूव होना है क्या? जी हाँ। अच्छा सही, हम आपको जवाब देते हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने जो अप्लाई किया हुआ है वो उसका रिजल्ट जो आएगा वो फिलहाल नहीं आ रहा, नेगेटिव है कि इनको इनका वीजा नहीं मिल रहा या अप्रूव नहीं हो रहा, जो भी है। हाँ, दोबारा अप्लाई करें, कहीं और के लिए अप्लाई करें तो नहीं होगा। हाँ, अभी इनका तो वीजा उसकी वैसे नहीं जा सकेंगे, अगर अप्रूव हो जाता तो जा सकती हैं, तो ये मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये जा रही हैं। अच्छा, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं खतीजा बात कर रही हूँ मुल्तान से। खतीजा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको कल कॉल की थी, याद है आपको? की थी आई थिंक, हाँ याद होगा। क्या कर रही हो, कैसी हो, क्या करती हो वैसे? स्कूल जाती है, कॉलेज? शायद मुझे थोड़ा बहुत याद आ जाए, कल बताया तो था। कल की थी कॉल? मैंने बताया नहीं था मैं 7th क्लास में। हाँ हाँ सही सही, की थी। और कैसी हो, कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी। अच्छा, क्लास में फर्स्ट आती हो या क्या, कैसी स्टूडेंट हो? अच्छा, तो भाई सही की मतलब जैसा एग्जाम्स आने वाले होते हैं, सब कुछ बंद, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ,
हाँ जी। अच्छा तो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं या हो गए? अभी नहीं हुए, अभी हमारे सेकंड स्टार्ट हुआ है। अच्छा सही, तो कुछ पूछना चाहोगी फ्यूचर के बारे में? नहीं, मैं प्रेडिक्शंस पे यकीन नहीं रखती। अच्छा तो फिर क्या पूछना चाहोगी? मैंने वैसे ही आपको कॉल किया बस। और कॉल मिल गई? हाँ जी। सही, दैट्स ग्रेट। क्या प्लान्स हैं आज के, क्या कर रही हो? जी आज के क्या प्लान्स हैं? आज के कुछ भी नहीं। कल के? कल तो थर्सडे, पता नहीं मैं बार बार समझ रही हूँ, कल फ्राइडे। फ्राइडे का क्या प्लान्स हैं? कुछ भी नहीं है फिलहाल तो। चलो प्लान्स कुछ बनाओ फिर मुझे कल कॉल करके बताना, सही है? थैंक यू फॉर कॉलिंग। ऑलराइट, हमारा जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप है हम उस पे चलते हैं, जो कि हमने सिर्फ एक ही किया सो फार। सो द सेकंड वन इज टॉरस। टॉरस के लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और सेलिब्रेशन टाइम है। सेलिब्रेशन किस चीज में? हो सकता है ट्रेवल करने के मूड में हो सकता है ट्रेवल करके वापस आ रहे हो सकता है ट्रेवल करके वापस आते हैं तो कौन खुश होता है? फैमिली के साथ मिलके वापस खुश अच्छा। होते हैं लोग। अच्छा हाँ okay. और हो सकता है कि करियर के अंदर कोई चीज अचीव कर रहे हैं या रिलेशनशिप में कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन टाइम में सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, सो इट्स गोना बी हैप्पी जैपी टाइम, सही। इसके बाद है जेमिनी। जेमिनी, अच्छा इसको अभी हम यहीं पे रोकेंगे cuz वी हैव गॉट अनदर कॉल। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मंजिया बात कर रही हूँ पेशावर से। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मंजिया आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा जॉब करती हैं, सही। आपको कुछ पूछना है फ्यूचर के बारे में? मैं पूछना चाहती हूँ भाई, बहन के एक मेरा दोस्त है, बहन कह सकती हूँ वो, उसका भी मेरा सेम नाम है, वो बाहर जाना चाहती है, वो जा सकते हैं इस साल या नहीं? आप और मेरा भी फ्यूचर बताएं। आपकी दोस्त है या आपका दोस्त? मर्जिया दोस्त है, फीमेल है। अच्छा फ्रेंड है, फ्रेंड वो भी मेरे सेम नाम है। अच्छा अच्छा, मर्जिया आपकी जो फ्रेंड मर्जिया है उसकी मदर का नाम पता है आपको? उसका मदर का नाम, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। आई थिंक डेट ऑफ बर्थ नहीं दे सकते। ओ सो मॉम का नाम जाना जरूरी है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ बताने की। और आपका फ्यूचर किस चीज में देखना है आपने? मैं फ्यूचर में कब शादी होगी और मेरा फ्यूचर कैसा? तो अभी आपका ये प्लान है, आपको कब करनी है शादी? जी आपका क्या प्लान है, आपको क्या लगता है कब तक आप शादी करोगी? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा तो अभी सो फार कोई प्लान नहीं है शादी करने का? एज क्या है आपकी? नहीं प्लान तो है मगर कुछ पता नहीं कब रिश्ता है अच्छा हो या बाहर जाऊंगी या। अच्छा आप अपनी एज बताओ। मेरा एज 29 है। 29, चलो सही है, हम आपको ऑनर जवाब देंगे। थैंक यू। बुर्ज भी एक मेरिज से, ठीक है? क्या? अच्छा इनकी जो दोस्त है मर्जिया, जिनकी मदर का नाम भी इनको नहीं पता, निकल सका उसका पूरा? हाँ, निकाल तो लिया मैंने, बट अल्लाह करे यही हो जो भी निकला है, क्योंकि मदर का नाम भी नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा है, तो मदर का नाम ना हो तो आपकी वो जो असल में होता क्या है, सही नहीं आती? नहीं होता क्या है कि अगर आप खुद मुझसे बात कर रही है ना तो आपकी एनर्जी मेरे पास आ रही है। फोन पे भी कोई बात कर रहा है वो अपने बारे में सवाल कर रहा है, मैंने मदर का नाम नहीं भी पूछा, उसकी आवाज सुन ली है तो उसकी एनर्जी मुझे मिल गई है। अब वो क्योंकि उनकी फ्रेंड है, वो ना उनकी आवाज आ रही है ना मुझे उनकी शक्ल पता है ना कुछ पता है, तो मदर के नेम से ये होता है कि उनकी एनर्जी कंफर्म मिलती है कि हाँ ये फलां की बेटी है। तो कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है इससे, एनर्जी कनेक्ट होती है, तो इसलिए खाली जरूरत होती है उसकी। बट फिर भी मैंने कोशिश की तो लग रहा है कि वो इंशाल्लाह ताला चली जाएंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं समरीन, मुल्तान से। समरीन, समरीन हाँ जी, कैसी हो? ठीक ठीक। क्या क्या करती हो आजकल? आजकल कुछ नहीं, आईसीएस क्लियर किया। हाँ क्या किया? आईसीएस। अच्छा कैसा गया? तो व्हाट डू यू थिंक क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट आ गया है। आ गया है तो कैसा आया? वो अच्छा आया है। अच्छा है तो मेरी ट्रीट का है। मेरी ट्रीट कहाँ है? समझ नहीं आ रही। अच्छा चलो ये बताओ कुछ फ्यूचर के बारे में पूछना चाहोगी? हाँ जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरी शादी कब होगी। अच्छा तो क्या प्लान है आपका अभी सो फार शादी का? नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर करने का है? हाँ जी। और ये भी बता दें कि लव या अरेंज होगी? अच्छा सही, चलो हम आपको ऑनर जवाब दे रहे हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। So, love or arranged? Love हो या अरेंज हो, इनके पास गड़बड़ी गड़बड़ है रिलेशनशिप के मामले में, तो इनको सबसे पहले अपनी गड़बड़ ठीक करनी चाहिए। इनके पास
गड़बड़ इस तरह से, जिस तरह से वो शानजे के भाई का आया था, तो इनके पास हो सकता है इनके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स रही हो और वो अब तक हो, कोई ब्रेकअप हुआ हो, कुछ हुआ हो, या कहीं इनकी एंगेजमेंट वगैरह होकर ख़त्म हुई हो पहले, या इस तरह से कुछ है, तो उसको क्लियर करेंगे क्योंकि इनके पास इश्यूज हैं। अगर मैं इनको देखती हूँ, सबसे पहला कार्ड इनका हर्मिट का आ गया, जो गलत है, अच्छा नहीं है। सेकंड जो मैंने देखा कि इनकी लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज, दोनों तरफ ही डिस्टर्ब नजर आ रही है। Right. तो कहीं भी हो, लव हो जाए या अरेंज हो जाए, ये प्रॉब्लम फेस करती हुई नजर आ रही है। तो इससे बेहतर है कि जहाँ हो वो अच्छी हो, तो पहले अपने आप को बैलेंस करेंगे। ओके, सो व्हाटएवर इज लेस लाइक जो लिखा हुआ है लाइफ में वही हो तो इस आई थिंक नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे इख्तियार में दे रखी हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। Right. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में ठीक कर सकते हैं। सही, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ भी, जस्ट हैव फेथ इन आवर गाइस, वी आर गोना बी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट वरी, कीप वॉचिंग गर्ल्स पब्लिक। Hello guys, welcome back from the break. You guys are watching Girls Republic and today we've got our card reader with us. As you guys can call us if you guys want to ask anything related to your future. If your call is not going through, leave your message on our page, which is Bex Khan. And we've got another call. Hamare paas call. Hey, hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kaun baat kar raha hai? Again, Ikra here. Ek question hai. Ikra, phir se. Bahut calls nahi mil jati tumhari. Kya question hai? मैंने ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी और ये आगे ठीक है अगर मिल जाती है तो किस मतलब ग्रेड में मिलेगी, कैसी रहेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए? गवर्नमेंट जॉब अभी अभी कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो? जी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अच्छा, हस्बैंड का नाम क्या दोबारा रहेगा? शहरयार खान। चलो इकराम, आपको ऑनर जवाब दे दें। थैंक यू फॉर कॉलिंग अगेन, टेक केयर। सही, तो इनको जो है इनके हस्बैंड को गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी तो अच्छी होगी या नहीं? इनके पास जो मुझे पोजीशन नजर आ रही है वो गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई नजर नहीं आ रही फिलहाल। इन फ्यूचर हो सकता है कि 6 महीने बाद, साल बाद कोई पॉसिबिलिटी बन जाए तो बन जाए, फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर ये जो जॉब कर रहे हैं उसी में हैं तो उसमें इश्यूज हैं, नो डाउट इनके पास, कि मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है उनके पास। मगर फिर भी ये प्रॉब्लम्स इनको ज़्यादा तंग नहीं करेंगी, ये उसके साथ साथ भी आगे बढ़ जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन अपनी गवर्नमेंट जॉब को फोकस करके रखें, पीछे पड़े रहें, एक बार नहीं सेकंड टाइम अटेम्प्ट पे हो सकता है इनकी जॉब हो जाए, तो अच्छी है जॉब होना इनकी गवर्नमेंट की, लेकिन होती भी नजर नहीं आ रही, मुश्किल ये है। ऑलराइट, हमारे पास कॉल है। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं फरजाना सलीम बात कर रही हूं। फरजाना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको से बात करते हैं। जी जी, पूछिए कुछ पूछना। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा बेटा आजकल शादी करने के मूड में है, रिश्ता जल्द से जल्द कहाँ होगा? बेटे का नाम क्या? लाहौर। और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम किस चीज की है, रिश्ते में है या कोई और प्रॉब्लम है? हाँ, बेटी और बेटों के, बच्चों के रिश्तों में है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां। तो शादियों के लिए चारों का पूछना चाह रही हैं? नहीं, दो, अभी तो 3 है काबिल। सही। अच्छा, बड़े बड़े। हाँ जी, सबका नाम बताइए जरा। शाहरुख, और माहरुख और फरीहा। तो सबका पूछना चाह रही हैं शादी का? हाँ जी, तीनों की शादी कब तक होगी? अच्छा, तो कराची में होगी या लाहौर में होगी? होगी या लाहौर में होगी। सही, तो आप रहती कहाँ? लाहौर में हूँ इस वक्त। अच्छा, तो आप बेस्ड लाहौर में? सही, चले हम आपको ऑनर जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। रहती लाहौर में, मगर अजीब बात है कि इनके बच्चों की शादियां मुझे कराची में नजर आ रही हैं। हाँ, तो तभी उन्होंने पूछा था कि लाहौर में होगी कराची में? हाँ, लाहौर में नजर नहीं आ रही। हालांकि लाहौर में इनके पास बहुत सारे प्रपोजल्स मौजूद होंगे, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि वो रिश्ते मौजूद हैं, लेकिन मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि लाहौर में ये किसी बच्चे की शादी करें, इनको कराची में करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पहला बेटा इनका शाहरुख, दूसरी इनकी बेटी थी, तीसरी भी बेटी थी आई थिंक, तो जो सेंटर में, जो दरमियान में सेकंड नंबर पे जिसका नाम लिया था इन्होंने, फरिया था आई थिंक उसका नाम, मारुख आई थिंक, मारुख या फरिया, दो नाम थे उनमें, जिन्हें बेटे के बाद जिसका नाम लिया था उसके लिए मैंने कार्ड उससे हाथ के हाथ निकाला था, बाद में नाम मिक्स हो जाते हैं, कि इसके पास ज्यादा इशू है रिलेशनशिप में या शादी में, बहुत ज्यादा रुकावट कहूंगी, क्योंकि डेविल का कार्ड है सीधा सीधा शैतान, तो इनके पास, इनको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस मामले में, शादी में रुकावट बहुत है। दूसरी बेटी की भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि वहाँ पर भी गड़बड़ है, बात होते होते हो सकता है रुक जाती हो, ख़राब हो जाती हो,
بیٹے کا ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بیٹے کے معاملے میں تھوڑا سا ان کو اپنی ریزرویشنز ختم کرنی پڑیں گی. یعنی شاہ رخ کے معاملے میں اگر یہ کہیں اپنے آپ کو لمیٹڈ کر رہی ہیں کہ بس ایسا رشتہ چاہیے, اپنا فارمیٹ بنا کے رکھ رہی ہیں, تو اس فارمیٹ سے باہر آ رہے ہیں تو زیادہ اچھا ہے ان کے لیے. ادروائز بیٹیوں کے معاملے میں ان کو اپنے لیے بچاؤ کرنا پڑے گا, رکاوٹ ہے بیٹیوں کے معاملے میں. صحیح. ہمارے پاس کال ہے پھر سے. ہیلو, ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں یاسمین اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی یاسمین, آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی تھی. جی پوچھیے. اس کی ڈیٹ ہے 25 دسمبر. ان کا نام بتائیے. حامد سعید. حامد. جی جی. ان کی مدر کا نام؟ تاج اور سلطان. ٹھیک ہے, سوال بتائیے. جی میں ان کے جاب کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب آج کل ذرا تھوڑی اپس اینڈ ڈاؤن چل رہی ہیں, کہ ان کے لیے آیا جاب بہتر ہے یا کوئی بزنس کر لیں, جاب مل کب تک ملے گی؟ چلیں ہم آپ کو آنر جواب دے دیں. تھینک یو فار کالنگ. اصل میں وہ جاب سے ان کا بری طرح دل بھر چکا ہے, ہاتھ اٹھا لیے ہیں, اب وہ جاب کرنا بھی نہیں چاہ رہے. اور ویسے جاب ان کے لیے ایسی تھی کہ بس گزارا کر رہے تھے, ان کے پاس کچھ شاید ان کو ایک ہوتا ہے نا کہ پروگریس نظر نہیں آ رہی, کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی, کوئی فائنینس امپروو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور شاید جاب بھی ان کی ایسی رہی ہو کہ بس ادھر سے کما لیا, ادھر سے پورا کر لیا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو مائنڈ فوکس نہیں, فوکس نہیں تھا, ڈپینڈ زیادہ کرتے رہے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس انہوں نے ہاتھ بھی اٹھا لیے, ان کی جاب میں مجھے ان کے پاس ایسا کچھ سکسیز نظر بھی نہیں آ رہی. ہاں اگر یہ بزنس کی طرف جاتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہے, یہ بزنس کر سکتے ہیں, ان کو بزنس کرنا چاہیے. تو اپنا بزنس جو ہو صحیح. ہم جو ہیں ابھی یہاں پہ کوسچنز مجھے آئے ہیں, میں آئی ایم گونا جسٹ ریڈ آؤٹ اے فیو آف دیم. Okay, Fatima Mehfooz, she's asking, I want to ask about my marriage life and professional life. My star is Capricorn. Fatima Mehfooz, wo apni shaadi ke bare mein poochna cha rahi hai, aur professional marital life or financial life? Professional, yes. جو ان کی میریٹل لائف ہے, دا ورلڈ کا کارڈ ہے, اور دا ورلڈ کے حساب سے ان کے پاس اگین اس قسم کی پوزیشن ہے کہ یہ اپنے میریٹل لائف میں گھومتی رہتی ہیں, بار بار ریسائکل ہوتی رہتی ہیں. یا تو کسی ایک ریلیشن شپ پہ یہ رکی نہیں ہے. اگر یہ میرڈ ہیں تو ان کے پاس ان کے میریٹل لائف کے اندر ایشوز آتے رہتے ہیں, لیکن ختم ہو کے پھر واپس ریسائکل ہوتی رہتی ہیں. اور اگر میرڈ نہیں ہے, شادی کرنا چاہ رہی ہیں, تو ان کے پاس ایشو یہ ہے کہ یہ کسی کوئی ایک رشتہ یا کوئی ایک پرپوزل ان کے پاس نہیں ہے. یہ مطلب کہ چینجز آتی رہتی ہیں, یہ ایک جگہ چاہے خود نہ ٹکتی ہو چاہے دوسرا بندہ نہ ٹکتا ہو, ضروری نہیں کہ گڑبڑ ان کے پاس ہی ہو, لیکن پرابلم ہے یہ بار بار ریسائکل ہوتی رہتی ہیں. اور فائنینس میں ان کے پاس ایسا کوئی گڑبڑ نہیں ہے, کوئن آف وانڈز کا کارڈ ہے, بس شیر آگے بیٹھا ہوا ہے, اس کو کنٹرول کریں, انہیں اپنے ایکسپینسز کنٹرول کریں, اپنے آپ کو بیلنس کریں تھوڑا سا. ادروائز اور کچھ نہیں ہے, لمیٹیشنز. ادروائز ان کے فائنینس میں کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا, فائنینس بھی ان کا ٹھیک ہے اور میریٹل لائف بھی ان کی ٹھیک ہے, بری نہیں ہے. ورلڈ کا مقصد ہے کہ آپ ایک سائیکل انجوائے کر کے پھر دوسرے سائیکل میں داخل ہو جاتے ہو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ شکر فاطمہ بات کر رہی ہوں ڈیرہ غازی خان سے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کو کچھ پوچھنا ہے فیوچر کے بارے میں؟ جی مجھے پوچھنا ہے. جی پوچھیے. میں نے اباؤٹ ویڈنگ پوچھنا تھا کہ میری لو میرج ہوگی یا ارینج. نام کیا آپ کا؟ شفق فاطمہ. شفق فاطمہ, ٹھیک ہے. آلرائٹ شفق, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا ان کا کوشچن یہ تھا کہ لو میرج ہے یا ارینج. صحیح, ارینج لڑکیوں کو اتنا ہوتا ہے کہ لو ہوگی ارینج کرتے. ارینج میرج, ارینج پتا نہیں اب آپ کس میں خوش ہیں, ارینج میں لو میں. چلو اسٹے بلیسڈ. اچھا مجھے یہاں پہ بہت سارے کوشچنز آئے ہوئے تھے, اینڈ ایوری بڈی از گونا بی تھنکنگ شی از ناٹ آنسرنگ, لیکن آئی تھنک اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ ان کو جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انجم کو جو آپ اپنا کانٹیکٹ بتا دیں پلیز. آئی تھنک ان کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہوگا, جو آپ نمبر نوٹ آؤٹ کر لیں, نوٹ ڈاؤن کر لیں, اس پہ آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, جن کے بھی میں نے کوشچنس کا ریپلائی نہیں کر سکی. اوبویسلی ٹائمز رننگ آؤٹ, سو یا یو گائز کین کاپی دیٹ نمبر. اور اگر فیس بک پہ اگر کانٹیکٹ کرنا ہے سو پلیز. ہاں فیس بک پہ اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو facebook.com/tarotcouple آپ لکھیں گے تو ہمارا پیج مل جائے گا, TAROTCOUPLE, ٹیرو کپل. صحیح, سو دیٹس دا وے وے یو گائز کین کانٹیکٹ ہر. بٹ تھینک یو سو مچ کمنگ آن دا شو. آج ہم لوگ ٹاسک اپنا پورا نہیں کر سکے, بٹ دیٹس آل رائٹ, کالز آئیں سب کے آنسرز کر دیے. بٹ گائز یو گائز ٹیک کیئر آف یورسیلف, اینڈ آئی ول بی سیئنگ یو لیٹر. سیئنگ یو لیٹر, بائے بائے.